अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरे बच्चों की तबीयत ईद के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इनके तो ड्रिप भी लगी थी, बहुत परेशानी हो गई थी और बहुत ज़्यादा इसको मोशन हो गए थे और बहुत तेज़ तेज़ बुखार आ रहा था। ये अपने भाई को देख रही हैं, बैठी हुई अपने भाई के पास, थोड़ा परेशान हो रही थी। ये देखिए आयत ने कैसे हैप्पी फैमिली बनाई है सबके लिए। आयत और फाई चाची काका काकू और माउंटेन माउंटेन है, ये फ्लावर है। वाह भाई वाह, मेरी आयत ने तो बहुत अच्छी आर्ट बनाई। मामा ये सन और वो सन भी है। अच्छा अब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, बहुत तेज़ उसको बुखार था और मैंने दवा दे दी थी तब भी बुखार नहीं उतर रहा था बिल्कुल भी, और मैं बराबर उसके ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी और हाथ पैर बार बार पोंछ रही थी। 104 बुखार हो गया था उसको, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। दूसरे दिन आरिश का तो इलाज चल ही रहा था, दूसरे दिन आरिश आया, दोनों को लेकर हम लोग हॉस्पिटल आए तो आयत का उन्होंने टेस्ट करवाया तो आयत को टाइफाइड निकला था। और फिर आयत को दिखा देखो, आयत को भी नहीं हुआ अम्मा, तो आयत का टेस्ट नहीं बताया ना उन्होंने। और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके भी काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी और शॉप पर से वो आए थे बच्चों को लेके और मुझे लेके दिखाने गए थे, उनको फिर वापस शॉप पे जाना है तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर कब आएँ फिर उनको रिपोर्ट दिखाएं। ये देखें, ये लोग फरमाइश करते रहते हैं अपने रहने हाल में सबसे और कुछ ना कुछ इनके लिए वहाँ से आता रहता है। देखिए अब ये है कैचिंग फिश वाला ये गेम है, यारिश ने मंगाया अपने लिए। ये अपने ननिहाल गए थे, वहाँ से होके आए हैं और हमारे बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं कब छुट्टी हो, कब हम लोग अपने ननिहाल जाएं। और आज हम लोग जा रहे हैं वोट डालने, फिर मेरे हस्बैंड ने वोट डालने के बाद हम सबको गन्ने का जूस पिलाया, बहुत ही अच्छा था गन्ने का जूस, ठंडा ठंडा मज़ा आ गया पीकर। आयत ना मांगने लगे, आयत आयत की समझ में आ गई है, संभल गए। अब मैं अट्टू भी पिएगी, क्यों भी तू तो डाल टॉगल ऐसे ही ले ले ले, वो छोटा मुन्ना भी पी रहा है, तो देखो क्या पी रहा है। आयत पी रहा है, तुम दिखा दो पी के। दो चीजें मेन कौन सा आया थी, क्या चीजें लेस गुड सही रहता आया थी, क्या है एक तो तरबूज शुगर केन जूस। सुनो हां बता दो क्या है ये, शुगर केन जूस। आया तो इधर देखो, आया 18 की आया मैं विंडो लूंगा नीचे जो है इसमें एसी विंडो होंगे सब कुछ सही है। और आज हम लोग यहाँ शादी में आए हुए हैं तो यहाँ पे जो डेकोरेशन था ये बहुत ही अच्छा लग रहा था इस हॉल का, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ इसकी। और बच्चों को लेके आ रही थी कि ज़बरदस्ती यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लो फ़ोटो खिंचवा लो, लेकिन बच्चे बस उसी तरफ मुँह किए खड़े थे, इधर मुँह ही नहीं कर रहे थे कि हम वह एक फ़ोटो ले लेते। बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को, और ये मेरी सास हैं और इनकी नवासी है, ये लोग खाना खा रही हैं। और देखिए आरिश का स्कूल भी दिख रहा है इधर से, आरिश के स्कूल के बिल्कुल बराबर में ये था हॉल और बहुत अच्छा इंतज़ाम था इनके इनकी शादी का, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरे देवर खड़े हैं और ये मेरे देवर का बेटा है छोटा सा क्यूट सा, देखिए इन लोगों को कितना मज़ा आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं खेलने के लिए। गया ना छेड़ने, हम यही पकड़ते रहे।
अरे कौन है बीच में आ गए? हेलो आयत की चाल देखो, आयत की दूसरे में शादी से लौट के आई तो अपने पैरों के नेल्स में मेहंदी लगा रही थी, तो मेरी देवरानी ने कहा कि लाई मैं आपके हाथों में भी मेहंदी लगा दूँ, तो उन्होंने मेरे हाथ में ही मेहंदी लगाई है, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह।